हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल लरीफी फार्मेसी तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंटी टीबी एजेंट्स और ड्रग्स के बारे में ऐसे ड्रग्स जिनका इस्तेमाल हम लोग टीबी के ट्रीटमेंट में करते हैं तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स क्या होते हैं तो दीज आर दोज ड्रग और एजेंट विच आर बेसिकली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस तो दीज आर ये ऐसे ड्रग या फिर ऐसे एजेंट होते हैं जिनका यूज हम लोग आ, टीबी के ट्रीटमेंट में करते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं एंटी ट्यूबुलकुलर एजेंट या फिर ड्रग्स उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि टी क्या होती है तो टीबी इज एन इन्फेक्शियस डिजीज़ यूजली कॉज बाई माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस तो जो हमारा टी वी होता हुआ एक तरह का इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है टीबी मोस्टली अफेक्ट द लंग्स विच इट करेक्टराइज बाई सच एज एक्यूट इन्फ्लॉमेशन टीशू नेक्रोसिस तो जो टी जो होता है उसमें बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है टी जो होती है हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है और इसके कुछ सिम्टम होते हैं जैसे हमारे लंग्स में इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो जाता है और टिश्यू का नेक्रोसिस हो जाता है कई बार ये अदर बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट करती है जैसे अलग अलग टाइप टीबी होती है जैसे बोन में हो गई लंग्स में हो गई तो ये अलग अलग टाइप की भी टी होती है लेकिन बेसिकली ये लंग्स को ज़्यादा अफेक्ट करती है इन फ्यू केसेज द पैथोजन पेनिट्रेट इन टू और ब्लड एंड द इन्फेक्शन कैन स्प्रेड टू अदर बॉडी टिश्यू कई बार क्या होता है जो टी का पॉजिटिव एजेंट होता है जो माइकोबैक्टीरियम होता है वो हमारे बॉडी के अदर टिश्यू या लिम्फ को पेनिट्रेट करके अदर बॉडी टिश्यू में भी इन्फेक्शन कॉज करता है टीबी स्प्रेड थ्रू द एयर वेन ए पर्सन विथ एक्टिव टीबी इन्फेक्शन कफ स्निज स्पिट और टल जो टी बी हमारा बेसिकली किस आ, किस तरीके से फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तो ये एयर के थ्रू स्प्रेड होता है अगर हम किसी इन्फेक्शियस पर्सन जिसको पहले से टीबी है उसके साथ में है अगर उसका कफ या फिर स्नीज हमारे कॉन्टेक्ट में आता है तो हमें भी टी बी हो सकती है द पैथोजन क्यूकली डेवलप रेजिस्टेंस टू थेरेपी यूजिंग अ सिंगल ड्रग दे आर फॉर एंटी ट्यूबलोप ड्रग आर यूज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और थ्री ड्रग बेसिकली होता क्या जो बैक्टीरिया होता है टी बी का जिसकी वजह से हमें टी बी होती है ये ड्रग से इजिली रजिस्टेंस डेवलप कर लेता है जब हम लोग टी बी का ट्रीटमेंट सिर्फ एक सिंगल ड्रग से करते हैं यानी एक सिंगल मेडिसिन से करते हैं तो वो बैक्टीरिया अपने आप को उस ड्रग के अगेंस्ट रजिस्टेंस डेवलप कर लेता है इसीलिए आपने देखा होगा जो टी बी की मेडिसिन आती है वो तीन दो या तीन मेडिसिन की कॉम्बिनेशन आती जो कि साथ में चलती है जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होता है वो उसके खिलाफ रजिस्टेंस डेवलप नहीं कर पाता उसके बाद बात करेंगे सिम्टम ऑफ टीबी यानी कौन कौन से सिम्टम दिखते हैं जब किसी पर्सन को टीबी हो तो क्रोनिक कफ विथ ब्लड कंटेनिंग म्यूकस जो उसका कफ होता है जब भी कोई पर्सन खांसता है तो जो कफ निकलता है उसमें ब्लड हो सकता है उसके म्यूकस में साथ ही साथ फीवर हो सकता है या फिर नाइट स्वेटर रात को बहुत ज़्यादा पसीने आ सकते हैं वेट लॉस वज़न कम हो सकता है उसके बाद बात करेंगे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है तो इट इज़ अ स्मॉल एरोबिक एंड नॉन मोटाइल बैसिलस एक छोटा सा एरोबिक होता है बैक्टीरिया होता है और नॉन मोटाइल नेचर का होता है इट डिवाइड एवरी सिक्सटीन टू ट्वेंटी आवर्स ये सोलह uh, से बीस घंटे के बीच में खुद को डिवाइड कर पाता है इट हैव आउटर मेम्ब्रेन लिपिड बाई लेयर एंड कंटेन माइकोलिक एसिड इन इट्स सेल वॉल जो माइक्रोबैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें माइकोलिक एसिड पाया जाता है कुछ अदर स्पीसीज भी होते हैं जिसकी वजह से टीबी होती है जैसे माइकोबैक्टीरियम वोविस माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकेनम माइकोबैक्टीरियम कैनिटी और माइकोबैक्टेरियम माइक्रोटी तो ये कुछ अदर स्पीसीज हैं जो कि माइको के हैं इनकी वजह से भी टी होती है जनरली माइको बैक्टेरियम की वजह से ही टी ज़्यादा होती है अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी टीबी एजेंट्स या एंटी ट्यूबुलर एजेंट्स के बारे में कि इनको किन किन क्लास class में क्लासिफाई किया गया तो दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप इनको बेसिकली दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ड्रग में इसको हम लोग आगे देखेंगे फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं आप देख सकते हो ये सेकेंड लाइन ड्रग है फर्स्ट हम लोग देखते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग तो फर्स्ट लाइन ड्रग क्या होती है दे हैव हाई एंटी ट्यूबुलर इफिकेसी एज वेल एज लो टॉक्सिसिटी तो जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है उसका इफेक्ट जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है और टॉक्सिसिटी जो होती है वो काफ़ी कम होती है यानी वो टॉक्सिक उसके साइड इफेक्ट जो होते हैं वो कम होते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं आप देख सकते हो आइसोनिया जैट जो कि काफ़ी फेमस ड्रग होती है आपको ये टीबी के ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगी रिफेम्पसिन पैराजीनामाइड इथमब्यूटोल और स्ट्रिप्टोमाइसिन तो ये कुछ फर्स्ट लाइन ड्रग होती हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग टीबी के ट्रीटमेंट में करते हैं उसके बाद बात करते हैं सेकेंड लाइन ड्रग के बारे में कि सेकेंड लाइन ड्रग क्या होती हैं और इसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं तो दे हैव लो एंटी टिबिकुलर इफिकेसी एज वेल एज हाई टॉक्सिसिटी तो ये ऐसी ड्रग होती हैं जो कि फर्स्ट लाइन ड्रग के कंपेरिजन में ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं और इनका जो इफेक्ट uh, होता है वो कम होता है दे आर यूज वन बैक्टीरिया क्रिएट रेजिस्टेंस अगेंस्ट फर्स्ट लाइन ड्रग और वेन फर्स्ट लाइन इज इन इफेक्टिव तो फर्स्ट सेकेंड लाइन ड्रग का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब जो हमारा माइक्रो बैक्टेरियम होता है वो फर्स्ट लाइन ड्रग से रेजिस्टेंस डेवलप कर करता है यानी हमारी जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो काम नहीं करती तो उस कंडीशन में हम लोग सेकेंड लाइन ड्रग देते हैं उस पेशेंट को जो सेकेंड लाइन ड्रग होती है वो ज़्यादा असरदार उतनी नहीं होती और साथ ही साथ इनका जो टॉक्सिक यानी साइड इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है तो इनका यूज कम ही किया जाता है जैसे कि हो गया पैरा अमीनोसलिसिक एसिड इथोना अमाइड रिफाब्यूटीन साइक्लोसेरीरिन कैनामाइसिन कैप्रियो माइसिन तो ये कुछ सेकेंड लाइन ड्रग हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं टीबी के ट्रीटमेंट में यहाँ पे इसको दो अलग कैटेगरी में भी क्लासिफाई किया गया सिंथेटिक एंटी ट्यूबिकुलर एजेंट और एंटी ट्यूबिकुलर एंटीबायोटिक यानी कुछ सिंथेटिक ड्रग का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं टीवी के ट्रीटमेंट में और कुछ एंटीबायोटिक्स तो उसको दो पार्ट में यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है आप देख सकते हो तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे जो सिंथेटिक एंटी ट्यूबलेट एजेंट कौन कौन से हैं तो वही उन्हीं ड्रग्स वही ड्रग्स हैं जैसे आइसोनियाजाइड इथोना अमाइड इथमब्यूटोल पैराजीनामाइड और पैरामिनो एसिड तो ये सिंथेटिक हो गए और वहीं जो आ, हमारे यहाँ एंटीबायोटिक इसमें कुछ यूज की जाती हैं जैसे रिफेम्पसिन रिफेम्ब्यूटीन और साइक्लोसेरीरिन स्ट्रिप्टोमाइसिन कैप्रियोमाइसिन सल्फेट तो ये कुछ एंटीबायोटिक हैं जो कि टीबी के ट्रीटमेंट में दी जाती हैं उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप अगर आप एंटी ट्यूबुलर के बारे में लिख रहे हो तो आपको स्ट्रक्चर मस्ट ड्रॉ करना पड़ेगा तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो यहाँ पे कुछ मैंने चार पांच स्ट्रक्चर सेलेक्ट किए हैं जिनका स्ट्रक्चर काफ़ी इजी है आप इजीली इसको लर्न कर सकते हो तो फर्स्ट है आइसोन जाइट का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो यहाँ पे एक हाइड्रोसाइक्लिक रिंग लगी हुई है वैसे ही है इथोनामाइड यहाँ पर भी एक हाइड्रोसाइकिलिक रिंग है जो कि नाइट्रोजन इसमें एक हाइड्रोसाइकिल आइटम एट, की तरह काम कर रहा है नेक्स्ट है पैराजीनामाइड और उसके बाद है पैरा अमीनो सैलिसलिक एसिड तो ये कुछ इजी इजी स्ट्रक्चर है उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर साइक्लो सेरिन का स्ट्रक्चर तो ये कुछ चार पांच स्ट्रक्चर है अगर आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में लिख रहे हो तो आपको इन स्ट्रक्चर को ड्रॉ ही करना पड़ेगा अगर आप कॉलोजी में लिख रहे हो तो आपको उतना सफिशियंट आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं कि जो हमारा आइसोनिया जाइड होता है वो किस तरीके से एक्ट करता है किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर जो कि टीबी को कॉज करते हैं तो जो हमारा आइसोनिया जाइड होता है वो फर्स्ट जो हमारा माइक्रो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर इंटर करता है और वो अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद जो माइक्रो बैक्टीरियम में इंजाइम प्रेजेंट होती है उसके साथ वो बाइंड करता है जिसकी वजह से जो माइकोलिक एसिड का सिंथेसिस होता है उसको ये इनिबिट करता है जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो वीक हो जाता है और हमको ट्यूबर कुलाग, एक्टिविटी देखने को मिलती है